हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर हम आज बात करेंगे किस ड्रग की लाइफ साइकिल के बारे में। जी हां, कैसे एक ड्रग आरएनडी लैब से मार्केट तक पहुंचती है, उसकी जर्नी क्या होती है, बीच में उसको किन किन टेक्निकल एक्टिविटीज से गुजरना होता है और क्यों। जैसे कि आपको पता ही है कि नॉर्मल भाषा में हम जानते हैं कि किसी भी ड्रग को रिसर्च से मतलब आरएनडी लैब से मार्केट में आने में कम से कम 12 साल का समय लगता है, तो ये समय कैसे लगता है, इस बीच कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती है और कैसे वो एक्टिविटीज होती है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ड्रग की जो टेक्निकल एक्टिविटीज की जो जर्नी होती है वो बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड होती है। ये चार पार्ट होते हैं फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के अंदर और बेसिकली ये चीज जो होती है वो पूरी आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के अंदर होती है। तो जितना भी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी वो कहां होगी, आरएनडी लेबोरेटरी के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम ड्रग का एक कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलप करते हैं, या कह सकते हैं कि हम एक एपीआई डेवलप करते हैं जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये एक APIs हैं जिसके थ्रू हम किसी ड्रग की एक्टिविटी होती है, मतलब ये बेसिकली ड्रग के एक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, इन्हीं से ही ड्रग का एक्शन होता है। तो सबसे पहले हम ड्रग का एक कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलप करते हैं और फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हेल्प से हम एक फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम एक फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं, तो API प्लस फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन के अंदर उसके अंदर हम एडिटिव्स को ऐड करते हैं, जैसे डाइलुएंट, बाइंडर्स, ग्लाइडेंट, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट। साथ ही साथ हम कंटेनर और क्लोजर्स भी उसी टाइम डिसाइड करते हैं कि अगर इसको हम लिक्विड वे में लेंगे तो इसके अंदर किस टाइप के कंटेनर और क्लोजर्स की हमको जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी रिसर्च वर्क हम इसके साथ में ही करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप थी, हमने एक ड्रग का कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलप किया आरएनडी लेबोरेटरी के अंदर और उसका एक फॉर्मुलेशन डेवलप किया। फॉर्मुलेशन डेवलप होने के बाद ये फॉर्मुलेशन जो होता है वो चला जाता है फिर क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ। मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में हम इस फॉर्मुलेशन की जो टेस्टिंग है वो सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, और जब एनिमल्स में हमको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो उनके बेसिस पे हम फिर ह्यूमंस पे, या जिसे हम ह्यूमन ट्रायल्स कहते हैं, मतलब इंसानों के ऊपर उस ड्रग की टेस्टिंग करते हैं कि इंसानों के ऊपर उस ड्रग का क्या इफेक्ट है। क्लिनिकल ट्रायल्स एक काफी लेंथी प्रोसेस होती है और काफी जटिल प्रोसेस होती है, फिर भी मैंने इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में एक वीडियो के माध्यम से समझाया है, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही ईजी और सिंपल वे में समझ जाएंगे कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं और इनकी प्रोसेस क्या होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली स्टेप में। अगर हमारी ड्रग जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स पास कर जाती है, ह्यूमंस के ऊपर जो उसकी ड्रग की टेस्टिंग थी वो ओके रहती है, सभी चीजें हमको एक तरीके से बोलूं तो पॉजिटिव मिलती हैं, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो किस डिलीवरी सिस्टम में हम यूज करेंगे, मतलब उसका डोजेस फॉर्म क्या होगा, क्या हम उसको टेबलेट फॉर्म में लेंगे, कैप्सूल फॉर्म में लेंगे, लिक्विड फॉर्म में लेंगे, मतलब सायरप, इमल्शन, या उसको हम पेरेंटल प्रिपरेशन में लेंगे। तो उसके बाद हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, मतलब आरएनडी डिपार्टमेंट इस बात पर रिसर्च करता है और उनका मेन फोकस होता है कि हमको तेज जल्दी से जल्दी इफेक्ट चाहिए, साथ ही साथ हमारी ड्रग सस्ती होनी चाहिए, ईजिली लोगों तक पहुंच जाए, इजीली पैलेटेबल हो और अपना जो रिजल्ट है वो 100% दे, किसी भी टाइप का साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ड्रग हमको ना दे। इस बेसिस पे हम एक डोजेस फॉर्म सिलेक्ट करते हैं, वो टेबलेट भी हो सकता है, सायरप भी हो सकता है, पेरेंटल भी हो सकता है। एक बार जब उसका डोजेस फॉर्म डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद आरएनडी लैब के जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं कि इसको हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि आरएनडी लैब के अंदर तो हमने बहुत छोटी क्वांटिटी में ड्रग को प्रोड्यूस किया था, बट आप जानते हैं कि जो जो ड्रग का प्रोडक्शन होता है वो टन्स में होता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से उनको ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को डिजाइन करना होता है और उन्हीं के वही फिर उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को डिजाइन करते हैं कि हमको कैसे इस ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करना है बड़े लेवल। साथ ही साथ जब ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है वो डिजाइन हो जाती है, उसके प्रोटोकॉल डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद वो ड्रग की टेस्टिंग की मेथड्स को डेवलप करते हैं कि जब ड्रग क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर जाएगी तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, उसके HPLC टेस्ट, उसके SA, उसकी डिसोल्यूशन टेस्टिंग, उसकी इंप्यूरिटी प्रोफाइलिंग, उसके GC टेस्ट, उसकी टाइट्रीमेट्रिक मेथड, ये सारी मेथड को वो डिजाइन करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, पूरा मेथड वैलिडेशन करते हैं। उसके बाद जब R&D का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी डिजाइन कर लेते हैं, उसके एनालिटिकल मेथड को भी डिजाइन कर लेते हैं, उनका पूरी तरीके से वैलिडेशन कर लेते हैं, तो अब ये मेथड जो होती हैं वो फिर इंडस्ट्री के लोगों को बताई जाती है, मतलब जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि बड़े स्केल पे आप ड्रग को प्रोड्यूस करेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे, उसको उसको फिर उनको
ट्रेंड किया जाता है, जिसे बोला जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड मेथड, जो हमारी सेकंड प्रोसेस होती है वो होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जिसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को R&D के अंदर डेवलप कर लिया है, उसको हमको कैसे एनालाइज करना है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में, इसको भी हमने डेवलप कर लिया है R&D के अंदर। तो जो R&D के साइंटिस्ट होते हैं वो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपको अब इस ड्रग की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे करनी है, और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी वालों को वो ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपको इसकी ड्रग की टेस्टिंग कैसे करनी है। तो वो पूरी जो उसकी मेथड्स हैं, HPLC मेथड, डिसोल्यूशन मेथड, वो जितनी भी मेथड्स होती हैं उसकी टेस्टिंग की, वो सारी मेथड्स जो होती हैं वो उनको समझाते हैं, उनकी प्रेजेंस में ही वो टेस्टिंग करके पहले दिखाते हैं कि आपको ऐसे टेस्टिंग करनी है, और प्रोडक्शन में भी वो उन्हीं की प्रेजेंस में ड्रग का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो पूरी ट्रेनिंग है इसी को ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोला जाता है। तो ये जो मेथड जो हमने R&D के अंदर डेवलप करी है, ये अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और QC डिपार्टमेंट को सिखा दी जाती है, जिससे कि वो ड्रग का प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे कर सके। साथ ही साथ अगर उनकी जो ये ड्रग है, जो उन्होंने नई ड्रग अभी जो ये इसे बोल सकते हैं कि जो उनका ये जो नया प्रोडक्ट है जो है वो अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है और मार्केट के अंदर अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो कई दूसरे प्लांट्स में भी उस ड्रग का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो जो हमारे R&D के जो पर्सन होते हैं वो उस कंपनी के अलग अलग प्लांट्स में जाके, जैसे अगर उनका प्लांट मुंबई में है, अहमदाबाद में है, बगदी में है, दमन में है, तो वो सभी प्लांट्स में जाके वहां पर काम करने वाले प्रोडक्शन के लोगों को और QC के लोगों को उसकी ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे उसका आपको प्रोडक्शन करना है, कैसे आपको उसकी ट्रेनिंग देनी है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। जब एक बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, प्रोडक्शन और QC के अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती है, सारा काम स्मूथली हो जाता है, तो फिर QA डिपार्टमेंट जो होता है वो परमिशन देता है कि अब आप इसका प्रोडक्शन जो है वो कमर्शियल लेवल पे कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी अब ड्रग की तीसरी फेज स्टार्ट होती है, जिसे हम कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो देखिए, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको कुछ जरूरतें होती हैं, पहले हमको उसको फुलफिल करना होता है, और वो सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद ही फिर हम ये सारी जो हमारी नई ड्रग है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो भी ड्रग का जो प्रोडक्शन आपको करना है और आपको ड्रग की टेस्टिंग भी करनी है, तो सबसे पहले आपको उसका रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर तरीके से आपको रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, और रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी बिल्कुल ओके होनी चाहिए, किसी भी टाइप की उसके अंदर इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो जो इक्विपमेंट्स आपको लग रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या QC से रिलेटेड हो, वो सारे इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उनसे रिलेटेड सारे केमिकल्स अवेलेबल होने चाहिए। और जब सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, तो उसी के बाद फिर हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज आपके पास है, सारा कच्चा माल आपके पास आ चुका है, रॉ मटेरियल आ चुका है, सारा इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क बिल्कुल ओके है, QC के अंदर भी सारा इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क बिल्कुल ओके हो चुका है, सारी फैसिलिटीज उनको अवेलेबल करा दी गई है, उनको सभी टाइप के केमिकल दे दिए गए हैं, और जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, अगर उनको किसी टाइप के कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी टाइप के क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है, लेबलिंग के लिए उनको कुछ अलग से कुछ पेपर चाहिए, तो वो सारी रिक्वायरमेंट भी पहले आपको फुलफिल करानी होती है, उसी के बाद हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाता है, टाइम टाइम पर सैंपल को विड्रॉ करके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, वहाँ पर ड्रग की टेस्टिंग होती है। अगर वहाँ पर हमारी ड्रग पास है, ड्रग के अंदर किसी भी टाइप की इंप्योरिटीज नहीं है, ड्रग की क्वालिटी जो है वो 100% बनी हुई है, बिल्कुल 100% है, किसी टाइप की इंप्योरिटी नहीं है, तो ड्रग जो होती है वो पास हो जाती है, उसकी पैकेजिंग होती है, उसके बाद ड्रग जो है वो स्टोर में जाती है, स्टोरेज होने के बाद फिर ड्रग जो होती है वो मार्केट में जाती है। और ड्रग जब मार्केट के अंदर आती है, तो जो कंपनी की जो मार्केटिंग टीम होती है उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि हमारा एक नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आना स्टार्ट हो चुका है। तो मार्केटिंग टीम जो होती है वो डॉक्टर से मिलना स्टार्ट कर देती है, और अपने नए प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना भी स्टार्ट कर देती है, और वो उनको बता देती है कि हमारा जो ये नया प्रोडक्ट है सर, ये अब मार्केट में आ चुका है। तो डॉक्टर्स को अगर ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो अपने पेशेंट्स को इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं, और मार्केट में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक जो थर्ड प्रोसेस है जहां पर हमारी ड्रग का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, और ये काफी कम ऐसे रीजन होते हैं, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है, वो है प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन। ऐसा कई बार होता है कि कंपनी को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ता है, और ऐसा भी देखा गया है कि कई बार प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से वापस भी बुला लिया जाता है। इसके कई रीजन होते हैं, जैसे कि पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है वो क्यों रोकना पड़ता है। जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से फुलफिल ना हो, गवर्नमेंट ने जो उनको बार
बात बताई गई थी कि आपको पहले ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, अगर जो कंपनी है वो समय पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाती है या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड उनको कुछ प्रॉब्लम्स है या जो डॉक्यूमेंटेशन या जो जानकारी प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको देनी थी अगर वो सही समय पर नहीं दे पाते हैं तो इसकी वजह से भी उनको प्रोडक्शन को रोकना पड़ता है। साथ ही साथ अगर क्यूसी के अंदर कोई प्रॉब्लम देखी गई है, सैंपल रिटेन किए गए हैं और उन्होंने देखा है कि ड्रग की टेस्टिंग के समय हमको कुछ प्रॉब्लम लगी थी जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है और ये मार्केट में अगर ये जाती है तो किसी टाइप के साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती है, तो उस कंडीशन में भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को रोका जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कई बार सब कुछ ओके हो जाने के बाद भी जब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो दवाई है, जब वो मार्केट के अंदर जाती है और मार्केट में जब पेशेंट्स उसको लेते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स की कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जैसे कि कोई लैक्टेटिंग मदर हो या कोई गर्भवती लेडीज़ हो या काफ़ी कोई छोटा बच्चा हो या बहुत बुजुर्ग आदमी हो या कोई ऐसा पेशेंट हो जिसकी लीवर और किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है और वो ये दवाई ले लेते हैं और उस वजह से उनको कुछ साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं और ड्रग जो है और ये सारा का सारे जवाबदारी जो है वो फिर ड्रग के ऊपर आ जाती है। तो उस कंडीशन में भी आपने देखिए, अब ये सारी शिकायतें जो हैं ये नोट डाउन तो हो चुकी हैं और ये जब शिकायतें कंपनी में जाती हैं तो फिर कंपनी कई बार इन प्रोडक्ट्स को मार्केट से वापस बुलवा भी लेती है क्योंकि वहाँ पर फिर दवाई की प्रॉपर चेकिंग की जाती है कि क्यों दवाई जो है वो इन पेशेंट्स के ऊपर अपना साइड इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट शो कर रही है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऐसी कई बार ऐसा हुआ है कि कई दवाइयाँ जो है वो मार्केट से वापस बुलाई जाती हैं जब वो मार्केट में कुछ नेगेटिव इफेक्ट शो करती हैं कुछ समय के बाद। ऐसा नहीं है कि कंपनी दवाई मार्केट में गई और उसने गलत इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर दिया, कई कंपनियाँ 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद भी नेगेटिव या साइड इफेक्ट को शो करती हैं, तो ऐसा निश्चित नहीं है बट ये कई बार देखा गया है। तो ये एक बहुत रीजन है जिसकी वजह से कंपनीज जो होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट से वापस बुलवा लेती हैं। तो ये एक कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कई बार ड्रग के प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है और रोकना पड़ता है। तो ये वाला जो पार्ट अगर आपने सिस्टमेटिक वे में समझा होगा तो सबसे ज्यादा ड्रग डेवलपमेंट का जो समय था वो R&D ने लिया था जो हमारी पहली प्रोसेस थी और उसमें भी सबसे ज्यादा समय जो लगता है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में लगता है। अगर ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल्स ओके हो जाता है तो ड्रग के प्रोडक्शन और उसको मार्केट आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। फिर भी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो काफी ज़्यादा समय लेती हैं जैसे कि वैक्सीन हो गया, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स में भी काफ़ी समय लगता है और इनको डोजेस फॉर्म और फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करने में भी काफ़ी समय लगता है। तो ये कैटेगरी कुछ अलग कैटेगरी है, बाकी जो इनसे इन कैटेगरीज के अंदर जो ड्रग नहीं आती है वो उनको इनके मुकाबले मतलब जो बायोलॉजिकल और वैक्सीन से इनको तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है बट बाकी जो ड्रग्स हैं उनको इतना समय नहीं लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो पार्ट था जो ड्रग की जो पूरी लाइफ साइकिल थी R&D से लेकर मार्केट तक ये बहुत ही ईजी और सिंपल वे में समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और यूँ ही बने रहिए मेरे साथ।